से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालकर इतिहास रच दिया है। बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर मेहताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर मेहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष होने जाने की घोषणा की, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी। Birla to occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें। अठारहवीं लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव ओम बिरला ने जीत लिया। अध्यक्ष के रूप में सांसदों के साथ बीजेपी की नेतृत्व वाला सत्ताधारी एनडीए ने सदन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और इसी के साथ एक बार फिर ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसी के साथ उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक इतिहास की दोबारा लोकसभा अध्यक्ष वो बने तो दूसरा इतिहास भी रचा गया, देश में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने का। ओम बिरला का नाम इतिहास के उन 5 लोकसभा अध्यक्षों की सूची में जुड़ गया जिन्हें इस पद पर 2 बार निर्वाचित होने का मौका मिला था। इससे पहले अनंत सयनम अयंगर, डॉक्टर गुडियाल सिंह ढिल्लो, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर बलराम जाखड़, गंती मोहन चंद बाल योगी ने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने की उपलब्धि हासिल की है। हालांकि इन सभी में से किसी ने 10 वर्षों के दोहरे कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। इस लिहाज से ओम बिरला के पास इतिहास बनाने का मौका है। अगर वो इस बार पूरे 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करेंगे तो वो लोकसभा के पूरे 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज करा लेंगे। दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं, आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओम बिरला 2003 से लेकर अब तक लगातार हर चुनाव जीतते आए हैं। 2003 में कोटा से पहला विधानसभा चुनाव जीता, 2008 में कोटा दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव जीता और 2013 में कोटा दक्षिण से तीसरा विधानसभा चुनाव जीता। 2014 में ओम बिरला ने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में दूसरी बार ओम बिरला ने लोकसभा चुनाव जीता। 2024 में भी तीसरी बार चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। ओम बिरला के पास भले ही लंबा संसदीय अनुभव नहीं था, लेकिन लोकसभा को जिस ढंग से उन्होंने चलाया उसकी सभी ने तारीफ भी की। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। संसद के नए भवन का निर्माण किया गया, संसद के संचालन में 801 करोड़ रुपए की बचत की, 222 विधेयक कानून बने जो पिछली 3 बार से ज्यादा है, विधेयकों पर 440 घंटे चर्चा हुई जो 4 बार से ज्यादा है,
विधेयकों पर 2910 सदस्यों ने चर्चा की, जो चार बार से ज्यादा है। संसद की लाइब्रेरी को अगस्त 2022 से जनता के लिए खुलवाया। बिरला ने संसद में मिलने वाले खाने की सब्सिडी खत्म करवाई। पहली बार देर रात तक सदन का संचालन किया गया था। ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन में कई महत्वपूर्ण कानून भी पास किए गए, जिन्होंने नया अध्याय भी लिखा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 यानी कि धारा 370 जो हटाई गई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी कि CAA। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 यानी कि ट्रिपल तलाक। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक 2023। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। ओम बिरला साल 1999 के बाद लगातार चुनाव जीतने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला केवल एक बार छात्रसंघ चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार वो जीत दर्ज कराते चले आ रहे हैं और इस सिलसिला आज भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।